आज भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष के युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया का राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया गया है। उनके परिवार का ये फरियाद है कि उनकी जघन्य हत्या हुई है। कल ही तृणमूल सरकार के एक साल हुआ है, उसके दूसरे ही दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया है। पूरे बंगाल में जहां पर भी जाते हैं राजनीतिक हिंसा, प्रतिशोध में हत्याएं और विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अर्जुन की हत्या की, चौरसिया की हत्या की घोर निंदा कर रही है और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग न्याय की अदालत के सामने जाकर जिन्होंने भी चौरसिया का हत्या किया है उनको इस जघन्य हत्या का कड़ी से कड़ी सजा मिले वो सुनिश्चित करेंगे। मैं आज पूरे बंगाल की जनता को ये बताना चाहता हूं कि इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। बंगाल के अंदर विरोधियों की आवाज को कुचल देना, हिंसा और हत्याओं से डराने का प्रयास करना, पहले कम्युनिस्ट शासन में और अब उससे बढ़ चढ़कर तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ है। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं, पीड़ित परिवार की चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। उनके कहने के हिसाब से जोर जबरदस्ती चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। अनेक चुनाव के बाद अनेक हत्याओं का सिलसिला थमता नहीं है। कल एक साल समाप्त होने के बाद जैसे संदेश दे रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं, भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में ना विश्वास करती है ना हिंसा की राजनीति से डरती है। हम कानून की अदालत में इतना सुनिश्चित करेंगे कि चौरसिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जिन्होंने भी ये कांड किया है उन सबको अदालत के कटघरे में खड़े करेंगे। स्वाभाविक रूप से डर का माहौल पैदा करने की साजिश भी है और प्रयास भी है। पहले ह्यूमन राइट कमीशन, अनुसूचित जाति के कमीशन और महिला आयोग ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा था। शायद एक साल के कम अंतराल में देश के किसी भी प्रांत में इतने ज्यादा केस सीबीआई को सुपरत नहीं किए होंगे जितना बंगाल सरकार से केस लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया है। यही बताता है कि कोर्ट को यहां की कानून और व्यवस्था और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। स्वाभाविक रूप से डर का माहौल पैदा करने की
साजिश भी है और प्रयास भी है। पहले ह्यूमन राइट कमीशन, अनुसूचित जाति के कमीशन और महिला आयोग ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा था। शायद एक साल के कम अंतराल में देश के किसी भी प्रांत में इतने ज्यादा केस सीबीआई को सुपुर्द नहीं किए होंगे जितना बंगाल सरकार से केस लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया है। यही बताता है कि कोर्ट को यहां की कानून और व्यवस्था और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। परिवार के साथ मेरी डिटेल बात हुई है, स्वाभाविक रूप से परिवार काफी आहत है, बेटा जाने से भी आहत है और उसके बाद प्रशासन ने उनसे जो व्यवहार किया है, जो अत्याचार किया है, परिवार के लोगों को मारा है, जिन्होंने हत्या की उसको पकड़ना तो दूर रहा, परिवार के लोगों को मारने का काम किया है, उससे बहुत आहत है। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह ये परिवार के साथ खड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है, आप होम मिनिस्टर और लगता है प्रेसिडेंट रूल जारी करनी चाहिए। नहीं, भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लेता है और आज ही गृह मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। धन्यवाद।